हेलो एवरीवन, आज फिर से हम एक नए सफर पर चलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल की नाइट्रिक एसिड के साथ। इस पर कई बार जेईई में और नीट में क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, जिंक जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में अलग प्रोडक्ट होता है, हॉट एंड डाइल्यूट में प्रोडक्ट अलग होता है और कंसंट्रेटेड कंडीशन में प्रोडक्ट अलग होता है। हम पूरी इक्वेशन आपको बता रहे हैं, एक बार आप समझ लेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए, जिंक जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, डाइवेलेंट होता है। तो ये बनाएगा जिंक नाइट्रेट प्लस नेसेंट हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो 1 मोल जिंक के लिए आपको लेने होंगे 2 मोल्स नाइट्रिक एसिड। जिंक नाइट्रेट बना और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये जनरेट कर रहा है 2 नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये रिएक्ट करेंगे फिर से नाइट्रिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड को ये नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूस कर देता है अमोनिया और वाटर। अब इसको बैलेंस करें, 1 नाइट्रोजन है तो 1 मोल अमोनिया मिलेगा, 3 ऑक्सीजन एटम है, देन यू विल गेट 3 मोल्स ऑफ वाटर। टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 3 2 6 प्लस 3 9, यहां 1 ऑलरेडी है तो आपको 8 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए। अब 8 चाहिए तो 8 कैसे मिलेंगे? तो यहां तो 2 ही मिल रहा है, इसको 8 करना होंगे। तो इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हाइड्रोजन एटम बैलेंस हो जाएंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मोल्स ऑफ जिंक, 4 2 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, 4 मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट प्लस 8 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन। क्लियर है? अब ये जो अमोनिया बना है, ये फर्दर रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ। ये बेस है अमोनिया, नाइट्रिक एसिड एसिड है तो बनता है सॉल्ट अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। अब देखिए, इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो आपको मिलेगी ओवरऑल इक्वेशन। जब आप 3 इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो अपोजिट साइड जो सिमिलर स्पीशीज है वो कैंसल हो जाएंगे। तो सिमिलर क्या क्या है? ये 8 हाइड्रोजन आइटम, ये 8 हाइड्रोजन आइटम भी कैंसल होगा, अमोनिया ये अमोनिया ये भी कैंसल हो जाएगा। और कुछ कैंसल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। फाइनल इक्वेशन ओवरऑल इक्वेशन होगी 4 मोल्स ऑफ जिंक या 8 मोल्स नाइट्रिक एसिड है, ये 9 और ये 110 प्लस 10 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 4 मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट, उसके अलावा 3 मोल्स ऑफ वाटर। जो मेन कंपाउंड है जो पूछा जाता है वो है अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो जब जिंक की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगी कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, तो क्या क्या बन रहा है? जिंक नाइट्रेट बन रहा है, वाटर बन रहा है, ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट बनेंगे। मेन जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो है अमोनियम नाइट्रेट। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में आपको मिलेगा अमोनियम नाइट्रेट। अब हॉट एंड डाइल्यूट यदि आप नाइट्रिक एसिड लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए, सबसे पहले रिएक्शन वही होगी, जिंक नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा, बनाएगा जिंक नाइट्रेट और जनरेट करेगा नेसेंट हाइड्रोजन। इसको हम बैलेंस करें जैसे अभी किया था, ये बैलेंस हो गई। अब ये जो नेसेंट हाइड्रोजन है ये फर्दर नाइट्रिक एसिड को रिड्यूस करेगा, नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो रिड्यूस होगा किसमें? फिर से वही प्रोडक्ट अमोनिया और वाटर। एक नाइट्रोजन है तो अमोनिया तो 1 मोल ही मिलेगा, ऑक्सीजन 3 है तो
थ्री मोल्स वाटर। इसको बैलेंस करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 3 × 2 = 6 + 3 = 9, एक ऑलरेडी है तो आपको चाहिए 8 हाइड्रोजन एटम्स। 8 इस इक्वेशन से कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए इस इक्वेशन को आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 4 मोल्स ऑफ जिंक प्लस 8 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस 4 मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट प्लस 8 मोल्स ऑफ मैसेंट हाइड्रोजन। अब ये जो अमोनिया बना है ये फर्दर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा और बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं है, यहाँ हॉट एंड डाइल्यूट, मतलब उसको फर्दर टेम्परेचर मिल रहा है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज हो जाता है, ये बनाता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, उसके अलावा बनेगा वॉटर। नाइट्रस ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन बचे, दो मॉलिक्यूल वाटर के बन जाए। क्लियर है इतना? अब इन सारी इक्वेशन को जब आप कंबाइन कर देंगे तो आपको फाइनल इक्वेशन मिलेगी। जब आप कंबाइन करेंगे तो अपोजिट साइड जो सिमिलर स्पीशीज है उसको आपको कैंसिल करना है। 8 हाइड्रोजन से 8 हाइड्रोजन एटम कैंसिल हो जाए, अमोनिया से ये अमोनिया कैंसिल हो जाए, और क्या कैंसिल होगा, अमोनियम नाइट्रेट से अमोनियम नाइट्रेट कैंसिल हो जाएगा। फाइनली क्या बचा, 4 मोल्स ऑफ जिंक प्लस 8 नाइट्रिक एसिड है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, 10 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, ये बन रहा है 4 मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट प्लस 3 वाटर यहाँ बने, 2 वाटर यहाँ बने, 8 मोल्स ऑफ 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। इन दोनों में क्या डिफरेंस है दिख रहा है आपको, यहाँ कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में क्या बन रहा था, अमोनियम नाइट्रेट, और हॉट एंड डाइल्यूट है, टेम्परेचर ज्यादा है तो अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होकर देता है नाइट्रस ऑक्साइड, तो हॉट एंड डाइल्यूट में जो मेन प्रोडक्ट है वो नाइट्रस ऑक्साइड। देखते हैं कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ प्रोडक्ट क्या होगा, तो जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा जिंक नाइट्रेट, ये तो सभी में कॉमन है, याद हो चुका होगा, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रिक एसिड इस नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, कंसेंट्रेटेड कंडीशन है, यहां बनता है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बनता है वाटर, तो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन वाटर बन जाए, रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखिए नाइट्रोजन 1 है ऑक्सीजन 3 है, 2 + 1 = 3 हाइड्रोजन 2 है। अब ये दे रहा है 2 नेसेंट हाइड्रोजन, इस रिक्वायरमेंट ओनली 1 नेसेंट हाइड्रोजन, तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दोनों में हाइड्रोजन एटम इक्वल होना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फाइनल इक्वेशन होगी 2 मोल्स ऑफ HNO3 प्लस 2 मोल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, 2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस 2 मोल्स ऑफ वाटर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको फाइनल ओवरऑल इक्वेशन मिल जाएगा। जब कंबाइन करेंगे ऐड करेंगे तो 2 नेसेंट हाइड्रोजन से ये 2 नेसेंट हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा, तो ये जिंक 1 मोल, 2 मोल नाइट्रिक एसिड यहाँ है, 2 यहाँ है, 4 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, क्या बन रहा है, जिंक नाइट्रेट सभी में जो बन रहा था, प्लस वाटर के मोल्स कितने हैं, तो 2 मोल्स वाटर है, प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। डिफरेंस समझ में आया आपको, जिंक की जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तीन कंडीशन है, कौन कौन सी, कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड डाइल्यूट एंड कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कोल्ड एंड डाइल्यूट में बनेगा अमोनियम नाइट्रेट, हॉट एंड डाइल्यूट में जो अमोनियम नाइट्रेट बना था वो डिकम्पोज हो गया नाइट्रस ऑक्साइड, तो मेन प्रोडक्ट है नाइट्रस ऑक्साइड और
कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में क्या बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये मेनली याद रखना है, क्योंकि जिंक नाइट्रेट तो सभी में, वाटर सभी में, जो डिफरेंट प्रोडक्ट है वो मेनली पूछा जाता है। तो कोल्ड एंड डाइल्यूट में अमोनियम नाइट्रेट, हॉट एंड डाइल्यूट में नाइट्रस ऑक्साइड, और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO। क्लियर है सभी को, समझ में आया?